बट एक्स कपल है आई थिंक ये होगा ही शायद, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा, बट या बीच में एक बार लगा था कि यार मैं कहाँ फंस गई, क्यों कर लिया मैंने ये, पर अब मुझे मज़ा आने लग गया है। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है इतनी सारी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे और इस वक्त मैं मौजूद हूं नजबली के सेट पर, और मेरे साथ हैं बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे डांसर मधुरिमा। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं आपको देखता हूं तो पता नहीं क्यों बहुत खुश हो जाता हूं, चेहरा चमक उठता है मेरा। अच्छा तो बताइए कैसा कुछ चल रहा है नजबली? नेचुरली बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी तक तो, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी काफ़ी सारे मोड भी आए हैं और काफ़ी हेक्टिक भी रहा है, बट बहुत ही मज़ेदार रहा है। विशाल आपके साथ में डांस कर रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ? वेल, डांसिंग के टाइम जब हम ऑन फ्लोर होते हैं तब तो बहुत ही अच्छा रहता है, बिकॉज इट्स मतलब अच्छा निकल के आ जाता है, लेकिन रिहर्सल के टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर वो सब होता रहता है। बट एक्स कपल है आई थिंक ये होगा ही शायद, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा, बट या कितना ऊपर हुआ कितना नीचे हुआ? बहुत ऊपर हुआ है, बहुत नीचे हुआ है, मतलब सब कुछ एक्सट्रीम में गया है आई थिंक। हम दोनों, बिकॉज हम दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ओवर कर देते हैं, तो उस चक्कर में हम लोग क्लैश ही क्लैश कर रहे हैं, और तो इसी वजह से या सो बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको शायद आ गया था, न्यूज़ ये चल रही कि आपने विशाल को थप्पड़ भी जड़ दिया, भले वो मजाक में ही क्यों ना हो, सच्चाई है इसमें? इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं गैस, बाकी तो बस चलता रहता है लड़ाइयाँ। आपकी मम्मी भी प्रोमो चल रहा है, आपकी मम्मी भी आई हैं और काफ़ी उन्होंने विशाल को जो है डांटा है, तो आपको मजा आ रहा था उस वक्त? ऑनेस्टली मुझे नहीं, मुझे बुरा लग रहा था। मैं पहले मम्मी चाहती नहीं थी आए पहले तो, मतलब लेकिन फिर एक आना ज़रूरी था, बिकॉज सो दैट उनको भी पता चले कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग। एक बड़ा का बोलना मैटर करता है, एंड वो मेरी मम्मी को जानते हैं और उनसे बात करते थे, हमेशा बात किया है, उनसे पूछा है, ही रिस्पेक्ट्स हर अलॉट, तो उनका वो बोलना ज़रूरी था सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि वट एवर ही इज़ डूइंग इज़ मतलब वो अच्छा नहीं निकल के आ रहा है। मतलब आप डांस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेज पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे तो आपको वोट्स नहीं मिलेंगे, आपको ऑडियंस सडनली आप अपना हाथ बैकआउट कर लेगी कि नहीं इनको नहीं वोट करना, एंड ऐसा ही हो रहा है। मतलब पीपल आर लाइक, आपका एक्ट तो देख लेते हैं लेकिन जैसे ही आगे लड़ाइयाँ होती हैं वी ट्राई टू स्विच ऑन स्विच चेंज द चैनल, तो वो चीज़ समझाना ज़रूरी था जो मैं नहीं समझा सकती थी और कोई नहीं समझा सकता था। आई थिंक किसी बड़े का समझाना उनके लिए ज़रूरी था। बिल्कुल, आप भी मौके पर मौजूद थी तो विशाल का रिएक्शन क्या था आपने देखा? नहीं, मैं तो इसी में खुश थी कि मेरी मम्मी सामने खड़ी है और मैं भाग के चली गई मम्मी को हक करने के लिए, बट आई एम श्योर ही मस्ट बी शॉक्ड, और वो उस वक्त उनको समझ में आया, सोच रहे होंगे कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, व्हाट डू आई से, बट आई डोंट नो, आपको उनको पूछना चाहिए एक्चुअली कैसा रिएक्शन था जब मम्मी को देखा। कुछ देर बाद हम मिलेंगे उनसे पूछने वाले हैं। मधुरी मामा, ये बताइए कि पहले से ही सारी चीज़ें तय थी कि एक्स कपल आएगा, सभी को पता था ये सारी चीज़ें होंगी, पछतावा है या मज़ा आ रहा है? वेल, बीच में एक बार लगा था कि यार मैं कहाँ फंस गई, क्यों कर लिया मैंने ये, पर अब मुझे मज़ा आने लग गया है। अब आई थिंक ये इसी चीज़ के लिए बना था, ये था तड़का जो लग रहा है, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है इतनी सारी, आई थिंक इसको एंजॉय करते करते चलते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे। नजबली एक बहुत बड़ा शो है, इसका विनर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा खिताब है, और मैं जानता हूँ कि आप वहाँ के नज़दीक भी हैं, लेकिन जिस तरीके से मन मुटाव दोनों के बीच चल रहा है, कैसे संभाल पाएंगी, क्योंकि बिना जोड़ी के तो विनर नहीं हो पाएंगे आप? ये तो बात सही है, नेचुरली एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ तक पहुँच गए, यही बहुत बड़ी बात है एक्स होने के बावजूद, एंड कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर मोर इनफैक्ट फेमस देन आस, तो अब देखो क्या होता है, लेकिन अब हम लोग जब साथ में रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम साथ ही नहीं है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, सो अभी सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया है, जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा, विल रिहर्स आर बेस्ट, विल गिव इन आर 200%, उसके बाद तो ऊपर वाले के ऊपर ही है सब। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल नज़रों से ये देख पा रहा हूँ कि लड़ाई में थोड़ा बहुत प्यार ज़रूर है, लेकिन जो फैंस हैं आपके देखना चाह रहे हैं साथ में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते?
मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इट्स रियली अनबिलीवेबल. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है दैट यू गाइज आर सपोर्टिंग सो मच. और हम लड़ाई अब थोड़ा कम करेंगे, बहुत आपके कमेंट्स पड़ रहे हैं कि लड़ क्यों रहे हैं, हम लड़ाई कम करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोस्ती ज़्यादा बढ़ाएं और आपको एंटरटेन करते रहें. सो थैंक यू मधुरिमा, और मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. आपसे बस इतना कहेंगे, आप देखते रहे हिंदी रश. और एक वादा, अगर आपका इनसे कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुंचा दें. धन्यवाद, थैंक यू.